झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सुबह से ही ईडी की रेड चल रही थी। लगभग 11 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी की कार्रवाई खत्म हुई। गौरतलब है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबियों के घर रेड चल रही थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कागजात के 8 बैग सहित अन्य सामान मिले हैं। बता दें कि ईडी की टीम सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई में जुट गई थी, जो लगभग 11 घंटे चली। ईडी की टीम 11 घंटे तक कागजात को खंगालती रही और शाम तकरीबन 5 बजे तक जांच पड़ताल के बाद ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, साथ ही नकदी भी बरामद हुई है। हालांकि इस बात का खुलासा ईडी की टीम के द्वारा अब तक नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी हाथ लगे हैं।